नमस्कार दोस्तों, ब्रिज एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और साइंस टेक के चैप्टर के अंतर्गत आज के इस लेक्चर के लिए हम लोगों ने जैव आतंकवाद या जैव प्रदूषण और जैव आतंकवाद पर चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली जैव आतंकवाद जो है जैव प्रदूषण का एक विकृत रूप होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठन और विभिन्न देशों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित हो जाता है। तो जैव आतंकवाद को समझने के पहले हम लोग जैव प्रदूषण को समझने का जो प्रयास करते हैं। किसी सूक्ष्म रोगकारक सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा रोगकारक सूक्ष्म जीवों के माध्यम से पशु पक्षी वनस्पति जीव जंतुओं में किसी भी प्रकार का संक्रमण का होना ही जैव प्रदूषण कहलाता है। कहने का मतलब सीधा सा तात्पर्य है कि एक ऐसा प्रदूषण जो किसी भी स्तर पर जीवों के माध्यम से फैलता है, संक्रमण होता है। अब कोई चाहे उसमें वायरस भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई फंगस भी हो सकता है, यानी कि जीवाणु विषाणु या कवक कोई भी हो सकता है जिसके माध्यम से पशु पक्षी और वनस्पतियों में संक्रमण होता है, रोगों में वृद्धि होती है, वो फसल नष्ट हो जाती है, जीव की क्षति हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। तो ये सारी गतिविधियाँ जो होती हैं वो जैव प्रदूषण कहलाती हैं, क्योंकि वो जीवों के माध्यम से किसी न किसी रूप में फैल रही हैं और संक्रमित हो रही हैं। तो इस तरीके से इन रोगकारक जो सूक्ष्म जीवों को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो या चाहे वो फंगस हो, इन सभी को जैव प्रदूषक कहा जाता है, यानी कि वो कारक हैं, जैव प्रदूषक कहा जाता है। और इनके माध्यम से जो क्षति होती है, जो संक्रमण होता है, वही जैव प्रदूषण कहलाता है। यानी कि कभी कभी हम लोग कृषि के क्षेत्र में फसलों पर देखते हैं कि कुछ ऐसे जो है रोगकारक सूक्ष्म जीव होते हैं जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। जैसे सरसों के खेतों में भी फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से कुछ पौधे होते हैं जिनमें उसकी टहनियाँ जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, और वो जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से किसी किसी क्षेत्र में पशुओं में कोई बीमारी फैल जाती है तो कई हजारों कई लाखों लोग या पशु जो है मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जैव प्रदूषण के रूप में जो है आता है। यह किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझ करके तो नहीं किया जाता है, लेकिन अनजाने में भी हो सकता है या स्वतः हो जाता है। व्यक्ति इसमें अगर रोल में है तो वो जानबूझ करके नहीं करता है, अनजाने में उससे ऐसी गलती हो जाती है या ज्ञान के अभाव के कारण से हो जाता है या लापरवाही के कारण से ऐसा हो जाता है। लेकिन इसका जो एक विकृत रूप निकल करके सामने आता है वो जैव प्रदूषण कहलाता है। तो हम लोगों ने जैव प्रदूषण को समझा, और अब यहाँ पे हम जैव आतंकवाद को समझने का प्रयास करेंगे। जब दुनिया में किसी भी व्यक्ति या किसी संगठन या किसी देश के द्वारा इन रोगकारक सूक्ष्म जीवों का सहारा लेकर के दुर्भावनावश किसी समुदाय का या देश का जो है क्षति करने का जो प्रयास किया जाता है, तो वह स्थिति जैव आतंकवाद कहलाती है। ऐसी बातें जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जो है सुनाई पड़ी थी, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से COVID-19 ने पूरी दुनिया में जो है महामारी का एक विकराल रूप दिखाया है, वो चीज़ें इस आधार पर शंका के दायरे में जो है आती हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो मूल है वो किसी देश, किसी संगठन या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी लैब में बनाए गए वायरस के रूप में आता है। दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया और इस बात का दावा किया है कि COVID-19 के वायरस जो है वो प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों के जो जलवायु है उनमें समान रूप से इसका बढ़ना कहीं ना कहीं इसके उत्पन्न होने पर सवाल या निशान खड़ा करता है, क्योंकि ये सभी देश की जलवायु में जो है दुनिया के सभी देशों को जो है परेशान कर दिया। तो इस पर ये अनुमान लगाया गया, किसी लैब में बनाया गया, जिसका एंटीबॉडी कहीं पर डेवलप नहीं हो पा रहा है और आज तक भी इसकी कोई दवा खोजी नहीं गई, यद्यपि इसके टीके विकसित किए गए हैं जिसको लगा करके लोगों के जीवन को बचाया जा रहा है। आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को शामिल करने का उद्देश्य एकमात्र यही था कि वर्तमान समय में COVID-19 दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंटरनेशनली फ्लाइट कैंसिल की गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के यात्रा रद्द हुई हैं, शिखर वार्ताएं, राष्ट्राध्यक्षों के यात्राएं जो भी कुछ रही हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की हो, राजनीतिक क्षेत्र की, सभी को कैंसिल किया गया है। तो इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि जैव आतंकवाद जो है वो कहीं ना कहीं
जैव प्रदूषण का एक विकृत रूप है जो विभिन्न देशों के निकृष्टतम जो है गतिविधियों या विभिन्न प्रकार के संगठनों के विकृत रूप का जो है परिणाम के रूप में जो दिखाई पड़ता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है जैव प्रदूषण जैव आतंकवाद को इसलिए सम्मिलित किए हैं क्योंकि वर्तमान समय में पूरी दुनिया जो है कोविड-19 की महामारी की चपेट में है और पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, लोगों में जनधन का काफ़ी नुकसान हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लाइट कैंसिल हुई है, लोगों के आने जाने के रास्ते बंद हुए हैं और लोगों को अपने घर में बंद होना पड़ा है। पूरी दुनिया में अगर पिछले कुछ सालों की जो है इतिहास को देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली व्यवस्था रही है, इंडिया की ट्रेन व्यवस्था को भी रोकने का पहला मामला जो है केवल इसी जो है महामारी के दौरान देखा गया है। तो इन सभी बातों की पृष्ठभूमि में हम आज के इस लेक्चर में जैव प्रदूषण और जैव आतंकवाद को शामिल कर रहे हैं क्योंकि जब करंट से जोड़ करके किसी टॉपिक को देखा जाता है तो वह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है और परीक्षा में उसके पूछे जाने की संभावना होती है। तो इन आधारों पर जैव प्रदूषण और जैव आतंकवाद को आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में जो है शामिल किया और अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया और उसे निपटने के लिए किस तरीके से प्रयास किए गए हैं। 1925 ईस्वी में जो है जिनेवा प्रोटोकॉल बनाया गया और इस जिनेवा प्रोटोकॉल में जो है जैविक एवं रासायनिक प्रारंभिक परीक्षा में भी यह सवाल पूर्व में पूछा जा चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है और आप अगर मुख्य परीक्षा में उत्तर लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के द्वारा संज्ञान में लिया गया और 1925 ईस्वी में जिनेवा प्रोटोकॉल को लागू किया गया। ये प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के द्वारा युद्ध गृह युद्ध या किसी भी प्रकार की ऐसे झड़प में जो है जैविक एवं रासायनिक हथियारों के प्रयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है और 1972 ईस्वी में एक जो है जैविक हथियार सभा बनाया गया और इसके माध्यम से 1975 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया और यहाँ पर भी जो है हथियारों को इस तरीके से प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रयास किए गए और विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा इस बात को संज्ञान में लिया गया। तो निश्चित तौर पर आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने जैव प्रदूषण जैव आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके के हथियार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसका हम लोगों ने अध्ययन करने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की गतिविधियां आने वाले समय में भी किसी भी राष्ट्र को जो है नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि ये किसी भी राष्ट्र के एक विकृत मानसिकता का जो प्रतीक होता है। प्रत्येक राष्ट्र को अपने देश में शिक्षा व्यापार विकास के माध्यम से जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए और यदि किसी भी राष्ट्र के द्वारा इसका सहारा लिया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा ध्रुवीकरण का सहारा लेते हुए उस राष्ट्र के खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि राष्ट्रों के ऐसे विकृत मानसिकता के विरुद्ध जो है लोगों में और दुनिया की जो है सभ्यता और संस्कृति और मानवता को जो बचाया जाना जो संभव हो सके। तो इन सभी बातों की पृष्ठभूमि में ही आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस टॉपिक को जो सम्मिलित किया है। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आप लोगों को जो समझ में आया होगा। आपके प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए समान रूप से यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने अन्य विषयों के साथ साथ इन सभी टॉपिक्स का भी अध्ययन करते रहिए, एक स्वस्थ जो है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से विचारधारा का विकास करते रहिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। पुनः अगले लेक्चर में हम इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।